स्वागत है आपका दा पावर टेक्निकल चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको डिश लगाने वाले हैं न्यू कनेक्शन कस्टमर के घर पे डायरेक्टली। अगर आप लोगों को डिश लगाना सीखना है तो आज की इस वीडियो में आप डिश लगाना सीख जाएंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, हम लोग न्यू एलन भी लगा रहे हैं जो कि है डिश D2H की ब्रांडिंग के साथ में। तो ये डिश D2H की ब्रांडिंग के साथ में एलन भी आती है अपने डिश टीवी कंपनी की, और यहाँ पर हम लोग न्यू कनेक्शन लगाने वाले हैं और आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं अपने डिश कैसे लगाना है। तो जैसे कि हम लोग फोट माउंट जो लगाते हैं या पुराना डिश लगाते हैं अपने घर पर, तो ये कैसे लगाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चीज़ जो फोट माउंट होता है सबसे मेन काम डिश लगाने में ये चीज़ होता है। ये एकदम सीधा लगा होना चाहिए, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका टेढ़ा है तब 101% आपका जो सिग्नल है वो बहुत कम आता है। अगर आपको ये जो फुट माउंट जिसे बोलते हैं ये एकदम ये सीधा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, इसे 90% 90 डिग्री पे रहना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधा होना चाहिए, तभी आपका जो डिश पे सिग्नल है बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके ये जो फुट माउंट है टेढ़ा लगा हुआ है तो आपके डिश पे बहुत ही कम सिग्नल आता है और हमेशा सिग्नल्स की दिक्कत बनी रहती है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ आपने ठीक से लगाना है, और ये गिट्टी वगैरह काफ़ी अच्छी लंबी जैसे कि होनी चाहिए, काफ़ी ऐसा नहीं हो छोटी छोटी गिट्टियाँ, छोटे छोटे नट अगर आप टाइट करते हैं तो वो आंधी तूफान में निकल जाएंगे। तो गिट्टी लंबी हो और लंबे लंबे नट हो, तभी आपका जो डिश है मजबूत तरीके से लगेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो डिश है लगा दिया है और इसका मैं आपको वॉल माउंट लगा दिखाऊंगा। देखो एकदम एक्यूरेट सीधा है, बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ पर जो सिग्नल है बहुत ही जल्दी आ जाएगा और जो फुट माउंट है काफ़ी ज़्यादा मजबूत तरीके से लगा हुआ है। और कस्टमर के घर पे हमने लगाया है डिश D2H की ब्रांडिंग के साथ में, HDMI से कनेक्ट किया है, कनेक्टर लगा दिया, केबल पूरी डाल दिया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिश D2H की ब्रांडिंग के साथ में 5710 HD मॉडल हमारे यहाँ जो लगा रहे हैं, मतलब कस्टमर के यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं अभी टीवी ऑन नहीं किया है, अब आपको यहाँ पर सेटअप बॉक्स मैंने दिखाया है, अब आपको छत पे दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो नट बोल्ट हैं पहले प्रॉपरली टाइट कर लेते हैं, हल्का हल्का टाइट करते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सिग्नल के अलाइनमेंट करते हैं, जो कि अलाइनमेंट बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसमें हम लोग अपने सर्विस केबल लगाने के बाद में जो अलाइनमेंट है बहुत जल्दी हो जाती है। और यहाँ पर जो कनेक्टर देख रहे हैं, कनेक्टर हम लोग ओरिजिनल लगाते हैं और इसको पंच कर देते हैं। पंच करने का मतलब यही होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पंच कर दिया, अब ये कनेक्टर कभी निकलेगा नहीं। अगर आपके यहाँ पर भी कोई भी आता है टेक्नीशियन लगाने के लिए तो कनेक्टर पंच जरूर कराएं। और जैसे कि अब मीटर में केबल लगाया ही था, इतने में सिग्नल आ जाता है। ये होता है 90 डिग्री लगाने का कमाल। आपका डिश अगर एकदम सीधा लगा हुआ है, फुट माउंट सीधा लगा हुआ है, तो सिग्नल बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया 14 dB तक आना चाहिए। ये dB जो चेक करना होता है आप लोग चेक नहीं कर सकते, ये चीज़ मीटर से चेक होती है, आपको बस नीचे 80% सिग्नल चेक करना होता है। तो यहाँ पर सिग्नल बहुत ही जल्दी मिला दिया है। आपको डिश लगाना भी आ चुका होगा कि 90 डिग्री पे डिश लगता है, उसके बाद में अगर आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट हैं तो इसको आप अपने मोबाइल से भी सेट कर सकते हैं। मोबाइल से डिश कैसे सेट करते हैं आपको एक वीडियो बहुत ही जल्द 1 से 2 महीने के अंदर आपको मिलने वाली है। तो वैसे यहाँ पर हम लोग डिश लगा देते हैं प्रॉपर तरीके से कस्टमर के हैंड पे, कस्टमर भी खुश हो जाता है। और ये ऐसी जगह डिश लगाइए जहाँ पे कोई भी जैसे परेशानी ना हो, जैसे बच्चे वगैरह ना छेड़े, तो यहाँ पर डिश लगाइए। और जिस छत पर हम डिश लगा रहे हैं यहाँ पर बच्चे आते जाते नहीं, तो ऐसी जगह डिश लगाएं, और जहाँ ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर सामने की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं छतरी है, इसके सामने की तरफ कोई भी बड़ी दीवार नहीं आ रही है, तो आपका सिग्नल बढ़िया आएगा। और यहाँ पर इस सेट बॉक्स में जो रिमोट मिलता है हमारे को, यूनिवर्सल रिमोट मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं डिश D2H की ब्रांडिंग के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग सेट बॉक्स को फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। सबसे पहले हमें इस TV को HDMI पे लाना होगा, जैसे कि TV के रिमोट से आप लोग इसमें, जैसे कि आपने अगर AV केबल लगाई तो AV पे आपने ओके करना होगा, और HDMI लगाई तो HDMI पे ओके करना होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास डिश D2H के ब्रांडिंग का लोगो, अगर हमें अगर D2H का लोगो चाहिए तो यहाँ पे D2H पे क्लिक करेंगे, नहीं तो हमें डिश TV क्लिक करना होगा। डिश TV की बुकिंग है तो डिश TV हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और इस पर जैसे कि सिग्नल आ गया ओके यहाँ पे करना होगा हमें,
ओके करने के बाद में हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो सॉफ्टवेयर लेने लग जाएगा। जब तक ये सेटअप बॉक्स सॉफ्टवेयर ले रहा है तब तक आप हमारे चैनल पे अभी आए हैं या आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे जाना। और इसके बाद में हमारा जो अगला प्रोसेस रहता है सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद में, जैसे कि यहाँ पे सिग्नल क्वालिटी वगैरह की बात करें तो सिग्नल भी काफ़ी अच्छे खासे आ ही रहे हैं, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद में हमारे को क्या करना होता है, सबसे नीचे लाके सेव एंड स्कैन पे क्लिक कर देना होता है। कोई भी सेटिंग आपने नहीं छेड़नी होती है, सेव एंड स्कैन करते हैं आपके जो चैनल सर्च हो जाएंगे, ऑटो सर्च हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके जो चैनल्स हैं वो आने लग जाएंगे। जैसे कि अभी सेटअप बॉक्स में चैनल सर्च हुए हैं, अभी फिलहाल में नया सेटअप बॉक्स है, अब इसे हमारे को एक्टिवेट कराना बाकी रह गया है। अभी एक्टिवेट नहीं है तो इस पर लो अकाउंट बैलेंस आएगा, जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट करा ही देता हूँ तो यहाँ पर हमारे जो चैनल्स हैं वो तुरंत ही चल जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई भी लगाने आता है डिस्क को और वो कहता है कि 2 दिन बाद चलेगा, शाम तक चलेगा, कल तक चलेगा, तो जैसे कि आप देख रहे हैंड टू हैंड चल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज चैनल्स आपके इसमें दिखाते हैं, आपको जिस भी कैटेगरी के चैनल से आप देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।